हेलो फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी अकाउंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इस पे भी आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों ने ट्रिक बना दी जिससे आप लोग इजीली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को याद कर लोगे और कभी जिंदगी में भी इसको नहीं भूलोगे। सो माय नेम इज हर्ष थापर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रिक टू रिमेंबर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, कैसे हम लोग को फॉर्मेट याद रखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपको लिखना है रोटी, जो खाने की रोटी होती है वैसे लिखो, रोट और ई लिख दो, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर दो, और साथ में लिख दो चांद पे चलकर एक फरिश्ता ढूंढो। ठीक है, चांद पे चलकर एक फरिश्ता ढूंढो, ये आज आप लोगों की ट्रिक है जिससे आप लोग स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। रोटी, चांद पे चलकर एक फरिश्ता ढूंढो, ये दोनों चीज लिखनी है आपको। ठीक है, रोटी का मतलब यहाँ पे क्या है, आर ओ टी ई लिखा मैंने यहाँ पे, रोटी। फिर क्या लिखा बच्चों, चांद पे चलकर एक फरिश्ता ढूंढो, इसका मतलब क्या, आर का मतलब होता है बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जिस चीज का बिजनेस है आपका, आपने उससे जो पैसे कमाए हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओ का मतलब है अदर इनकम, अदर इनकम का मतलब हो गया कि जो पैसे आपने अपने कोर बिजनेस के अलावा किसी और तरीके से जो पैसे कमाए हैं वो होती है आपकी अदर इनकम। पहला आया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आया अदर इनकम, फिर आता है बच्चों टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम होती है वन प्लस, जो ऊपर की दो टर्म्स हमने लिखी है वन यानी रेवेन्यू प्रोमोशन और अदर इनकम, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, ई का मतलब क्या, ई का मतलब है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सबसे पहले क्या आता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, पी का मतलब होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सी का मतलब क्या है बच्चों, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। फिर आता है बच्चों ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये सब मैं आपको भी समझाऊंगा आगे अच्छे से। एफ का मतलब होता है बच्चों फाइनेंस कॉस्ट, डी का मतलब होता है बच्चों डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, और ओ का मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। इस तरीके से आप लोग इजिली फॉर्मेट को याद कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। चांद पे चलकर एक फरिश्ता ढूंढो और पहले लिख दो रोटी। अब मैं आपको हर एक टर्म अच्छे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको समझाया था वही चीज यहाँ पे आपको लिखी दिखेगी। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिख रहा है ना, आर ओ डी आर ओ टी ई सब दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, एक मिनट। फिर चांद पे चलकर एक फरिश्ता ढूंढो, ये मैंने आपको टेक्निक बताई थी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिस चीज का आपका बिजनेस है उससे जो आपने पैसे कमाए हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, मान लो अगर मेरी ग्रोसरी स्टोर है तो चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट बेच के जो मैंने पैसा कमाया है वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। फिर आता है अदर इनकम, अदर इनकम मतलब मान लो ग्रोसरी शॉप है और फर्नीचर को बेच के पैसा कमाया है तो अदर इनकम है, या न्यूज़पेपर बेच के पैसा कमाया है तो अदर इनकम है। टोटल रेवेन्यू क्या है, इन दोनों को ऐड कर लो। यहाँ पे बच्चों देखो, एक करंट पीरियड होता है इधर और ये होता है प्रीवियस पीरियड, तो करंट ईयर समझ लो। यहाँ पे लिख दो अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या लिख दो अदर इनकम, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा बहुत इजीली। इन दोनों को ऐड ही तो करना है और कुछ नहीं करना। एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो भी ऐड कर देते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मेट फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे लिख देना अमाउंट। फिर आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये अमाउंट आपको दिया होगा यहाँ लिख देना। फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, जो मैंने आपको अभी आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देना, ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास। फिर आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब आपने एम्प्लॉय को किस तरीके से पैसे दिए हैं, सैलरीज हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ये सब चीजें एक्सेट्रा इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इन सबको ऐड करके यहाँ लिख देना एक ही साथ EBE में। ठीक है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फिर आता है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब आपने जो बैंक लोन लिया हुआ उस पर इंटरेस्ट हो गया। ठीक है,
बैंक लोन पे इंटरेस्ट वगैरह हो गया वो सब यहाँ आ जाएगा इजीली। फिर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब होता है किसी असेट की वैल्यू कम होना, और अमोर्टाइजेशन होता है किसी इनटेंजिबल असेट की वैल्यू कम होना, जैसे गुडविल की वैल्यू कम हो गई या फिर आपकी पेटेंट्स की वैल्यू कम हो गई, तो अमोर्टाइजेशन में आता है। दोनों को खर्चों को यहाँ पे लिख देना और ऐड कर देना, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का जो बैलेंस होगा यहाँ पे ऐड करके लिख देना। फिर इसके अलावा कोई खर्चा रह गया तो वहाँ लिख देना अदर एक्सपेंसेस में। सारे एक्सपेंसेस को ऐड करोगे तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और बच्चे बच्चे को पता है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, यानी कि थर्ड में से ये रहा ये इधर, इसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। जो प्रॉफिट आ गया उसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ जाएगा आपका, सिंपल समझे। इस तरीके से आप लोग इजिली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को याद कर सकते हो। देखो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलते रहे। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।